दोस्तों, गैंग और गैंगस्टर की कहानी सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपको जिसकी कहानी सुनाने जा रहे हैं, उसे राजस्थान का माया भाई कहा जाता था। जिस तरह से मुंबई अंडरवर्ल्ड में माया डोलस कम उम्र में ही अपराध की सीढ़ियां चढ़ा था, ठीक वैसी ही कुछ कहानी अंकित भादु की भी रही है। अंकित भादु वैसे तो पंजाब का रहने वाला था, लेकिन उसने अपना क्राइम का सिक्का राजस्थान में जमाया और देखते ही देखते वह गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का राइट हैंड बन गया। फिर क्या हुआ कि सिर्फ 25 साल की उम्र में ही उसका एनकाउंटर हुआ और किस तरह से वह इतनी कम उम्र में ही अपना एक सिंडिकेट चलाने लगा था। क्या है गैंगस्टर अंकित भादु शेरेवाला की पूरी कहानी, आइए आपको बताते हैं आज के इस वीडियो में। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं bijodjora.com का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अंकित भादु का जन्म पंजाब के फजिलका के शेरेवाला गांव में हुआ था। ये वही फजिलका है जहां पर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भी जन्म हुआ था। अंकित भादु एक किसान के घर में पैदा हुआ। वह अपनी पढ़ाई कर तो रहा था, लेकिन इसमें उसे मजा नहीं आ रहा था। फिर जब वह 12वीं में पढ़ रहा था, तभी उसने अपने गांव के बगल में ही एक पेट्रोल पंप के लूट को अंजाम दिया, जिसमें उसकी गिरफ्तारी भी हुई। इस घटना की खबर जैसे ही उसके घर वालों को लगी, तो उसके पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई। फिर भी उनके घर वालों ने उसकी जमानत करवा दी और सोचा कि अब हमारा बच्चा सही रास्ते पर चलना शुरू कर देगा। लेकिन यहां से अंकित भादु के मुंह में खून लग चुका था और उसे अब गैंग्स और गैंगस्टर की दुनिया अच्छी लगने लगी थी। जिसके बाद वह वहीं के एक लोकल गैंग के संपर्क में आया और फिर वारदातों को अंजाम देने लगा। धीरे धीरे समय बीता और अब वह अपने इलाके के नामी बदमाश के रूप में अपनी पहचान बना चुका था। फिर उसे एक मामले में सजा हुई और अब वह फिरोजपुर सेंट्रल जेल पहुंच चुका था। यही वो समय था जब अंकित भादु का किस्मत उसे अपराध की सीढ़ी पर तेजी से आगे बढ़ाया। इस जेल में उसके संपर्क में कुछ लोग आए जो गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के संगठन सोपू से जुड़े हुए थे, जिसके बाद उसका संपर्क लॉरेंस बिश्नोई से भी हुआ और बस यहीं से कारवां आगे बढ़ता चला गया। लॉरेंस बिश्नोई के इस जेल से उस जेल ट्रांसफर होने के बाद इस गैंग की पूरी जिम्मेदारी अंकित भादु के ऊपर ही आ गई और इस रोल को वह बहुत अच्छे से निभाने भी लगा। देखते ही देखते पंजाब और राजस्थान में अंकित भादु खौफ का दूसरा नाम बन चुका था। बड़े कारोबारियों से रंगदारी और जान से मारने की धमकी के लगभग हर मामले अब अंकित भादु के नाम से ही आने लगे थे। बीतते समय के साथ अंकित भादु इन दोनों राज्यों की पुलिस के लिए सरदर्द बन चुका था और अब पुलिस डिपार्टमेंट इस सरदर्द के लिए पेन किलर लेना चाहती थी और फिर अंकित भादु का नाम राजस्थान के मोस्ट वांटेड में शुमार हो गया। अंकित भादु पूरी गैंग को एक साथ लेकर वारदातों को अंजाम दे रहा था। कई बार पुलिस से घिरने के बाद भी वह हर बार बच निकलने में कामयाब हो चुका था। ऐसा कहा जाता है कि अंकित भादु के नाम से करीब 1.5 दर्जन फेसबुक अकाउंट थे और 20,000 से ज्यादा युवा उसे फॉलो भी करते थे। अंकित भादु चर्चित जॉर्डन हत्याकांड, चुरू राजगढ़ कोर्ट शूटआउट सहित कुल 8 मामलों में वांछित था। साल 2015 में उसे गिरफ्तार किया गया, लेकिन 2 सालों के बाद जमानत लेकर वह कपूरथला जेल से बाहर आ गया। जेल से बाहर आने के बाद भी उसका आपराधिक गतिविधि कम नहीं हुआ और अब वह ज्यादा खतरनाक बन चुका था। एक तरफ लॉरेंस बिश्नोई था जो उसे अपना राइट हैंड बना चुका था और दूसरी तरफ अंकित भादु था जो अपने इस तमगे को हर दिन साबित भी कर रहा था। लेकिन हर बुरा काम इंसान को उसके अंत के नजदीक लेकर जाता है और ऐसा ही कुछ अब अंकित भादु के साथ भी होने लगा था। अब पुलिस उसे रास्ते से हटाने का मन बना चुकी थी। इसके लिए पुलिस को एक प्लान चाहिए था जो समय दर समय अंकित भादु अपने ही कारनामों से देने लगा। अंकित भादु की उम्र 25 साल की ही थी, लेकिन उस पर 1.5 दर्जन से ज्यादा मुकदमे थे। इसमें 4 हत्या और 15 लूटपाट के साथ रंगदारी के वारदात से जुड़े केसेस भी थे। साल 2019 के दौरान पुलिस को इनपुट मिला कि वह अपनी प्रेमिका से मिलने चंडीगढ़ के सेक्टर 32 में जाता है। सूचना के मुताबिक उसकी प्रेमिका पंजाब के कुख्यात अपराधी की पूर्व प्रेमिका रह चुकी थी और चंडीगढ़ के नजदीक जिड़कपुर के एक अपार्टमेंट में रहती थी।
चंडीगढ़ इंटेलिजेंस की टीम ने अंकित भादु और उसकी प्रेमिका के बीच बातचीत को रिकॉर्ड किया तो आवाज अंकित भादु की निकली। इसके बाद अंकित भादु के मोबाइल की लोकेशन पता कर उसे सर्विलांस में डाला गया और अब यहीं से उसकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी। अब पंजाब और राजस्थान दोनों राज्यों की पुलिस अंकित भादु के पीछे लग गई। इसी बीच राजस्थान के डीजीपी कपिल गर्ग ने 6 फरवरी 2019 को अंकित भादु पर 1,00,000 रुपए का इनाम घोषित किया, जो कि पहले सिर्फ 50,000 रुपए ही था। और अब शुरू हुआ आखिरी वार। अगले ही दिन 7 फरवरी 2019 को पंजाब पुलिस की ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कंट्रोल यानी कि ओसीसी टीम को सूचना मिली कि गैंगस्टर अंकित भादु अपने दो साथियों के साथ चंडीगढ़ के नजदीक जीरकपुर के पीर मुछल्ला इलाके में महालक्ष्मी अपार्टमेंट में छुपा हुआ है। जांच में उसके अपार्टमेंट की तीसरी मंजिल के फ्लैट नंबर 6C में रहने की पुष्टि हो गई। इसके बाद पुलिस ने डीएसपी विक्रम बराड़ के नेतृत्व में एक एनकाउंटर टीम का गठन किया और इस ऑपरेशन को अंजाम देना शुरू किया। पुलिस ने फ्लैट में शाम करीब 5 बजे घुसने की कोशिश की, लेकिन गैंगस्टर्स ने दरवाजा नहीं खोला। इसके बाद पुलिस टीम जबरदस्ती दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल होने की कोशिश शुरू कर दी, जिस पर अंदर मौजूद अंकित भादु ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस से बचने के लिए अंकित भादु ने तीसरी मंजिल पर स्थित अपने फ्लैट की बालकनी से निचले फ्लैट में छलांग लगा दी और उस फ्लैट में रह रहे परिवार को बंधक बना लिया। उस परिवार में मां समेत 2 बच्चियां थी। अंकित ने पुलिस पर दबाव बनाने के लिए 6 वर्षीय एक बच्ची को मां से छीनकर बालकनी में पुलिस के सामने ले आया ताकि पुलिस उसके रास्ते से हट जाए, लेकिन डीएसपी विक्रमजीत सिंह बरार ने अंकित को सरेंडर करने के लिए कहा। इस पर अंकित ने डीएसपी पर भी गोलियां चला दी। इसके जवाब में दोनों तरफ से फायरिंग शुरू होती है। इस दौरान अंकित भादु ने बच्ची के सर पर पिस्टल लगा दिया और उसे जान से मारने की धमकी दी ताकि पुलिस पीछे हट जाए, लेकिन इतने में स्पेशल फोर्स के कमांडो ने तीसरी मंजिल की बालकनी से नीचे दूसरी मंजिल की बालकनी में छलांग लगाकर अंकित भादु को काबू करना चाहा। इसी दौरान अंकित ने अपने पिस्टल से ASI सुखविंदर सिंह को गोली मार दी, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई कर अंकित भादु को ताबड़तोड़ 2 गोलियां मारी। इसके बाद पुलिस उसको जख्मी हालात में डेरा बस्सी स्थित सिविल अस्पताल ले गई, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस पूरे एनकाउंटर को कुल 35 मिनट में अंजाम दिया गया था और इस तरह से गैंगस्टर अंकित भादु की कहानी का दी एंड होता है। तो यही थी लॉरेंस बिश्नोई का राइट हैंड और राजस्थान माफिया वर्ल्ड के माया भाई कहे जाने वाले अंकित भादु की पूरी कहानी। यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक और नए कहानी के साथ। किस तरीके से पूरा का पूरा ऑपरेशन है उसको अंजाम दिया आपने? देखिए, ये ऑपरेशन एक इन्फॉर्मेशन के आधार पर हुआ। अंकित भादु कुछ दिनों से दिल्ली और चंडीगढ़ के आसपास इसका आने जाने का हमें पता लग रहा था, तो इसने परसों बहादुरगढ़ जो NCT में आता है, हरियाणा का एरिया है, वहां पर एक गैंगवार में ये शामिल था जहां पर मर्डर भी हुआ था और वहां हमारी टीम भी थी और हमने उसको ट्रैक करना शुरू किया। जब यहां आने की बात का पता चला तो हमने यहां एक टीम भेजा और टीम भेज करके वहां रेड किया। रेड करने पर इन लोगों ने फायरिंग की और जो साथ वाला जो परिवार था उनको होस्टेज बनाने की कोशिश भी की, तो इसलिए हमने इनके खिलाफ जवाबी फायरिंग करते हुए पहले परिवार को भी बचाया और इनके खिलाफ एक्शन लिया गया। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोज के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।